नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं जे एक्स न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। रिमझिम बरसात के मौसम में बढ़ाई लोगों की चिंता। तीन चार दिनों से हो रही झमाझम मूसलाधार बारिश से छत्तीसगढ़ के प्रमुख महानदी का पानी उफान पर है। ग्रामीण क्षेत्रों सहित महानदी के तट से लगे कस्बों व शहरों में दिखा इसका प्रभाव। जी हाँ, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में तीन चार दिनों से हो रही लगातार झमाझम मूसलाधार बारिश से नदियों व नालों का पानी उफान पर है। लगातार छत्तीसगढ़ के कई जिलों में नदियों और नालों का पानी का जल स्तर बढ़ने से पुल डूब चुके हैं, जिसके चलते आवागमन पर रोक लग गई है। जहां मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी दी है। इसी बीच जांजगीर चांपा जिले में हो रही लगातार झमाझम मूसलाधार बारिश से नदियों नालों का पानी उफान पर है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ की प्रमुख महानदी के तट पर स्थित धार्मिक नगरी शिवरीनारायण पर बने सबरी सेतु पुल भी आज डूबने के कगार पर है। यह पुल बलौदाबाजार और जांजगीर चांपा इन दो जिलों को मिलाने वाली मुख्य पुल है। जहां महानदी का जल स्तर बढ़ने से सबरी सेतु पुल से लगभग 3 फीट ऊपर पानी बह रहा है, जिससे कि आवागमन में भी रोक लग गई है। लगातार वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई है। तो वहीं महानदी का जल स्तर बढ़ने से आसपास के ग्रामीण इलाकों में भी इसका प्रभाव देखने को रहा है। जहां ग्रामीण क्षेत्रों के छोटे छोटे कंजी नालों में भी पानी का जल स्तर बढ़ गया है, जिससे नालों में बने एनिकेट और छोटे छोटे पुल डूब गए हैं, जिसके चलते जिला प्रशासन ने आसपास के क्षेत्रों में अलर्ट जारी करते हुए आवागमन पर रोक लगा दी गई है। छत्तीसगढ़ जांजगीर चांपा ब्यूरो चुपगरा रायसागर की रिपोर्ट। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहे।